गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आफ्टरनून कैसे याद आ गया? इतनी सारी क्लासेस होती है ना, हैंग हो जाता सिस्टम ना। चलो, हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? एसिड बेस एंड साल्ट के क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन हो गया था, याद है किसी को? इसमें हम लोगों ने क्या किया था, किसी को याद है? हमने कहा था मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट, इन दोनों में। अच्छा अच्छा, बताया था ना ये क्वेश्चन 25, बताया था मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट में अगर आप स्ट्रांग एसिड कोई भी मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? साल्ट, वाटर एंड CO2। गैस कौन सी निकलेगी? CO2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए जरा, द गैस लिबरेटेड व्हेन फ्यू ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रांग एसिड मिला रहे हैं किसमें, इज पावर्ड इन द मेटल कार्बोनेट टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। मेटल कार्बोनेट में स्ट्रांग एसिड मिला रहे हैं, क्या होगा? साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, ये तो टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। गैस कौन सी लिबरेटेड होगी? CO2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके, इसकी जगह पर कुछ और भी ले सकते थे, HCl ले लें तो क्या आंसर होगा? CO2। तब भी CO2 होगा, ठीक। साल्ट चेंज हो सकता है, गैस सेम निकलेगी। अगर HBr ले लें तो आंसर क्या होगा? तब भी CO2। स्ट्रांग एसिड कौन से होते हैं? HClO4, फिर हमने आपको बताया होगा HI, फिर HBr, फिर उसके बाद HCl और नियर अबाउट H2SO4 इक्वल होता है, ठीक। फिर HNO3, इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड, इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। और उसके बाद हाँ अरे एक क्वेश्चन है, बताओ सर। ये जो एल्युमिनियम है और सर ये गैलियम है, तो बड़ा एटम में कोई दिक्कत है? हम आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाए। एल्युमिनियम है, गैलियम है, सर इसमें बड़ा एटम में रेडियस सर, बड़ा एटॉमिक रेडियस। बड़ा एटॉमिक रेडियस, जनरल ट्रेंड होता है कि ऊपर से नीचे आने पर रेडियस हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक। तो बोरान से एल्युमिनियम, बोरान एल्युमिनियम गैलियम नीचे आते चले जाओगे, रेडियस जनरल ट्रेंड में बढ़ता जाएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप पूछ रहे हैं वो हमको मालूम है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां से आप पिकअप कर रहे हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाँ मैं जानता हूँ, मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जनरल ट्रेंड क्या है कि एटॉमिक मास लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक मास लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है जहां पर राइट वाले का एटॉमिक मास लेफ्ट वाले से कम है, तो उनको आपको मार्क कर लेना है। एल्युमिनियम गैलियम के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस हो सकता है। ऐसे ही कुछ और भी जगह हैं जहां पर जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया था कॉपर और क्रोमियम में जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, ठीक है, बोलो। हाँ, तो एक्सेप्शन लर्न करने रखते हो, वो हॉट स्पॉट होते हैं, उनको आपको याद करना होता है। वो जनरल ट्रेंड से हट के होंगे, इसलिए जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको रटा होगा, तभी आप कर पाएंगे। जनरल ट्रेंड पे थोड़ा सा नुकसान कर जाता है कभी कभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 26 पढ़िए, सारे लोग पढ़िए और दिमाग लगाइए क्या कहना चाह रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन टेस्ट ट्यूब, क्या क्या होता है जब एसिड बेस मिक्स किया जाए? एसिड और बेस जब मिक्स किया जाता है तो जो रिएक्शन होती है उसका नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कराई, क्या मिला? सॉल्ट प्लस वाटर, ये रिएक्शन कही जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। न्यूट्रल
एक्सोथर्मिक होती है। सुनिए, एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक है तो हीट हमेशा निकलेगी, है ना, तो एक्सोथर्मिक। पहला, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज, सही बात है। तो ये पहला पॉइंट तो आपकी बात सही है। द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज, गलत बात है। किसी भी सोल्यूशन का तब टेम्परेचर घटेगा, देखो सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में सिस्टम का टेम्परेचर घट जाता है क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ये एक्सोथर्मिक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, आप लिख लीजिएगा कहीं पर, ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो पहला, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा, मतलब ये बात गलत है, ठीक। दूसरी बात, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेंस द सेम, नहीं, ये भी बात गलत है, सेम भी नहीं रहेगा, ठीक। जब बढ़ेगा तो सेम क्यों रहेगा। साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये बात भी सही है ना। तो दो ऑप्शन इसमें सही हो रहे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोलो, इसमें पहले ऊपर आपको सॉर्ट आउट करना है, फिर उनका आंसर नीचे रखना है। देखो एक और बात बताऊं, बॉन्ड एनर्जी, जैसे कोई दो एटम ले लें एक्स प्लस वाई, इनके बीच बॉन्ड बना, ठीक। बॉन्ड बनने का प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, समझ रहे हैं। बॉन्ड बनने का प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। कभी भी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा किन्हीं एटम के बीच, तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। और अगर किसी बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे होंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा, आपको हीट या एनर्जी लगानी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इस केस में अगर कोई दो चीज़ें ली गई जिनमें बॉन्ड बन रहा है, तो वो प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक होगा, उसमें भी हीट निकलेगी, समझ पा रहे हैं। ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। बोलो, हाँ कह सकते हैं, वो सारे प्रोसेस जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा वो आपके एक्सोथर्मिक होंगे, ओके। हाँ, जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सोथर्मिक की वजह से बन रहे हैं कि एंडोथर्मिक की वजह से बन रहे हैं, आप बताइए। मेरे हिसाब से एंडोथर्मिक रहने चाहिए, एंडोथर्मिक के प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहने चाहिए। मैं एक चीज बता दूं, पूरी लाइफ याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतनी ज़्यादा, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ रहे हैं। बैलगाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होता, समझ रहे हैं। उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, आपने देखा बैलगाड़ी किसी जाके किसी को टक्कर मार दी हो। एक्सीडेंट किसका होता है, जो बाइक से 150 160 जा रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी क्या है, लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बच्चे की एनर्जी बहुत हाई होती है, आप उसको कहीं बैठा दीजिए वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो पूरे कमरे में घूमेगा। लेकिन अगर बूढ़े आदमी को बिठा दीजिए जो आपका 80-90 ईयर का हो, हाईली स्टेबल, एनर्जी कम स्टेबिलिटी हाई, सुबह बैठा के जाइए शाम को वहीं से उठा लीजिए, समझ पा रहे हैं। अब आप समझिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में कौन स्टेबल होगा। देखो ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, समझ रहे हैं। अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकल गई होगी, है ना बेटा। अगर हीट निकल गई होगी तो इसका मतलब रिएक्टेंट में ज्यादा थी, प्रोडक्ट में कम हो जाएगी, तभी निकलने के बाद कम हो जाएगी ना। तो ER जो होगा, ER विल बी ग्रेटर देन EP, होगा या नहीं होगा। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर देन EP, ठीक। अगर यही प्रोसेस R और P है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर एंडोथर्मिक हुआ तो इसका मतलब एनर्जी क्या हुई होगी, एब्जॉर्ब हुई होगी, बोलो। तो EP विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ER।
किस प्रोसेस में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है? एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और जिस प्रोसीजर में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसीजर के जो प्रोडक्ट होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, और एंडोथर्मिक प्रोसीजर के जो रिएक्टेंट होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। समझ पाए? किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट लगता, कहीं किसी चैप्टर में प्रॉब्लम लगती है, तो अपने नियर बाई सेंटर पे आइए और मुझको इन्फॉर्म करिए, मैं आपको बैठ के टेबल ट्यूशन तक पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन लगिए आप मेरे साथ, ठीक है? मैं अकेले बैठा के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हाँ प्रॉमिस करिए कि आपको भी मेहनत करनी रहेगी, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 27। क्या क्या कह रहे हैं? अगर रिएक्टेंट में कोई भी प्रोसीजर है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, तो क्या वो रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगी? ये आपकी टंकी है, ये दो टंकियां हैं, इसमें भी वाटर का लेवल इतना है जितना कि पड़ोस वाली टंकी में है। अगर आप बीच में कनेक्शन कर दोगे तो क्या पानी का मूवमेंट किधर भी होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का लेवल क्या है? बराबर है। तो दोनों की अगर एनर्जी बराबर है तो मूवमेंट के लिए, दुनिया में हर मूवमेंट के लिए क्या चीज जरूरी? एनर्जी। कोई ना कोई पोटेंशियल तो चाहिए, जब कुछ है ही नहीं तो किस बेसिस पर मोशन होगा? तो इसलिए जब कभी भी दो चीज़ें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लोगे उसमें किसी न किसी चीज़ का डिफरेंस तो चाहिए होगा, और अगर नहीं डिफरेंस है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलिए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मैंने कंपेरेटिव बात कही, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होता है, समझ पा रहे हैं? और जो एंडोथर्मिक है उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक? ब्लू विट्रियल क्या होता है? CuSO4.XH2O। यह भी पूछा गया, ब्लू विट्रियल में एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है, ठीक? तो ये भी एक सवाल पूछा गया, टफ नहीं है, याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बेकिंग सोडा फार्मूला बताओ जी। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक? मुझे लगा सोडियम कार्बोनेट कह रहे हो। वाशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O डेकाहाइड्रेट। जिप्सम क्या होता है? ठीक, जो भी है। किसमें पूछा क्या है? किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? किसमें नहीं है? बेकिंग सोडा में, ठीक है? बोलिए। इसी में मल्टीपल ऑप्शन बनाए जा सकते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके भी ऑप्शन बनाए जा सकते थे, है ना बेटा? तो ऑप्शन चेंज किए जा सकते थे, पहले ऊपर सॉर्ट आउट करते फिर नीचे आंसर लगाते, तो ये ऐसे भी हो सकता था। कई बार क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट हो जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का मोड होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। क्वेश्चन केमिस्ट्री बदल के तो ले नहीं जा सकते, क्वेश्चन सेम रहता है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और जो चेंज हुई चीज़ें होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। चलिए, तो अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप कभी ये भी सोचिएगा कि ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है? फिर देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस, पहली बात तो ये पता होना चाहिए स्ट्रांग बेस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के मतलब एलाई लिना करब सस, इनके साथ OH मिलेगा तो ये स्ट्रांग बेस होगा। LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, ये स्ट्रांग बेस होगा, ठीक?
इनसे थोड़ा सा ये वीक हो जाता है, ठीक। लेकिन जो नीचे वाले हैं ये इनके साथ अगर OH का होल ट्वाइस होगा तो ये भी लगभग ठीक ठाक स्ट्रांग हो जाते हैं। कैल्शियम थोड़ा कम स्ट्रांग रहता है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये वाटर में अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाता। ये एल्कली बहुत अच्छा नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बहुत अच्छा एल्कली नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये नीचे वाले दो हैं ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। अब आप बताइए, ये तो पहले वाला हो गया, ये दूसरे से हो गया, ठीक, और ये भी स्ट्रांग का पार्ट हो गया। कौन ऐसा है जो वीक है, स्ट्रांग नहीं है? ये वीक है, बोलो बेटा। हमने स्ट्रांग एसिड भी लिख दिए, स्ट्रांग बेस भी लिख दिए। यहीं पर पूछा जा सकता था विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रांग बेसिस, और इसमें चार और बढ़ा देते इधर, ठीक है, और फिर ऑप्शन नीचे बढ़ाते, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ऐसे कर की भी किए जा सकते थे, है ना? जब स्टेज फर्स्ट दोगे तो उसमें छोटा क्वेश्चन होगा, आसानी से हो जाएगा। जब स्टेज सेकंड दोगे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है सोल्यूशन का, जब आप उसमें दोगे तो उसमें एक क्वेश्चन एक ही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन में लंबी सी पहले पूछा जाएगा, फिर उसके कुछ कोटेशंस होंगे जो आपको ऑप्शन के तौर पे दिए जाएंगे, पहले उनमें सेलेक्ट करिए, फिर नीचे आके आंसर करिए। समझ पा रहे हैं? वो एक क्वेश्चन के तीन चार पार्ट कर दिए जाते हैं और वो चारों पार्ट एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड होते हैं। तो ये होता है सेकंड स्टेज में, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है और काफ़ी समझना पड़ता है उसको बस, और फर्स्ट में बड़ा आसानी से लग जाता है, बस इतना अंतर होता है। समझ आया? ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? हाँ, वीक बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं, ठीक। स्ट्रांग बेस इतने ही होते हैं, आप इनको लिखिए, लिख लीजिए कहीं पर, स्ट्रांग बेस इतने होते हैं, फिर इसके बाद बेस स्ट्रांग नहीं बन पाता, उतना स्ट्रांग बेस नहीं हो पाता। समझ पा रहे हैं? ठीक, फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 29। व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, द मिल्कनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, बताइए। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्यों मिल्की नहीं होता? ये भी तो है, दुकान से जो चूने का पत्थर लेने जाते हो वो एक्चुअल में ये होता है, ठीक है, उसको आप लेके आते हैं और पानी में डालते हैं, पानी में डाल के कभी किसी ने देखा है डालते हुए? बहुत हैवी हीट निकलती है, पानी एकदम बॉयल होने लगता है ना, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसीजर है। होगा क्या, ये बना देगा CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सोच के बताइए, इसको लाइम वाटर, ठीक, इसको लाइम वाटर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक। क्या ये मिल्की होगा? नहीं होगा। चूने की पुताई करने वाला जो वो होता है ना, जो आप लीवर लगाते हैं, जो पर्सन चूने की पुताई करता है, वो जिस टाइम कर रहा होगा उस टाइम पर दीवार पे कोई शाइनिंग नहीं होगी। आप उससे पूछे कि भैया आपने पूरी दीवार पुताई कर दी, शाइन नहीं आया, चमक बिल्कुल नहीं रहा, वो कहेगा एक हफ्ते बाद मिलिएगा, जादू करके दिखाएंगे। वो एक्चुअल में पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन उसको इफेक्ट मालूम होता है। होगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने की पुताई दीवार पर कर दी, अब एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, CO2, ये नेचर में एसिडिक है, नेचर में प्रेजेंट है, और ये बेस से आपने पुताई की है, ये अपने आप रिएक्ट करके बना देगा CaCO3 प्लस वाटर, वाटर इवोपरेट करके उड़ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पर चिपका रह जाएगा, दीवार साइन करने लगेगी दो तीन दिन बाद। समझ पाए? कोई प्रॉब्लम है किसी को? वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उन्हें चीजें पता होती है कि कैसे होंगी, उनका एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रांग एसिड, अंडरलाइन करिएगा, डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस विल डिजॉल्व इन वाटर टू गिव अ सोल्यूशन विच इज, बताओ। हाँ ठीक, एसिडिक इन नेचर, उसके लिए हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हमने आपको कुछ एसिड लिखवाए हैं, ये आपके स्ट्रांग एसिड हैं, याद कर लीजिए, काम आएंगे।
H2SO3, आगे लास्ट में H2ClO3, सॉरी HClO3। सर एक मिनट, नोट कर लें। ये मिल जाएगा आपको ऐसे ही। लेकिन ये सब स्ट्रॉन्ग में आएंगे ना? ये स्ट्रेंथ दे रखी है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये, फिर वीक ये, फिर उससे वीक, फिर उससे वीक, फिर उससे वीक, ऐसा। हाँ सर, लेकिन HClO3 भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कहा जाएगा। क्या चीज सर? लेकिन HClO3 भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही कहा जाएगा। तो लिखा तो है, अब उधर जगह नहीं बची। yes, sir, yes. उधर जगह नहीं बची, नहीं तो लिख देता, उसी पर लिख देता, वो उसी पर लिखा है। ये क्लोरिक एसिड है, ये पर क्लोरिक एसिड है, ठीक। ये सबसे स्ट्रांग होता है, हो है वो भी स्ट्रांग। स्ट्रांग वो होते हैं जो 100% आयोनाइज हो जाए, ठीक है। फिर हाँ, और स्ट्रांग बेस अभी आपको बताया था, नहीं बताया? पहले ग्रुप के जितने होते हैं, और सेकेंड ग्रुप में कैल्शियम बी मग का सरबा, मतलब कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम, इनके OH अगर ले ले तो ये 8 स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, 8 स्ट्रॉन्ग बेस। ये 7 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जिनको पढ़ना है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हो गए, ठीक। एसिड, अच्छा कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? क्या होते हैं जो आयरन बनते हैं ना, कोई भी एसिड, हाँ कोई भी एसिड H प्लस देने के बाद जितना पार्ट बचा रह जाता है उसको बेस कहते हैं। देखो क्यों कहते हैं, जैसे HCl है, HCl अगर आपका H प्लस दे दे तो बचा पार्ट क्या रहेगा? Cl माइनस। बोलो, एक साइंटिस्ट थे जो शुरुआत में हमने आपको बताया था, उन्होंने कहा था प्रोटॉन डोनर आर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस, होगा या नहीं होगा? तो अगर ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये एसिड होगा, और अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस होगा, होगा नहीं होगा? और ये दोनों आपस में है तो भाई ही, तो इनको कहा जाएगा कॉन्जुगेट पेयर, इनको कहा जाएगा कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड बेस। हाँ हाँ, ये बात सही है। एसिड और बेस टर्म ही रेस्पे वो है, मतलब कंपरेटिव है। कोई भी एसिड अगर स्ट्रांग एसिड है तो उसमें बेसिक करेक्टर भी होगा, लेकिन वो बहुत वीक होगा, समझ पा रहे हैं? अगर किसी सोल्यूशन में एच आयन प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं कि उसमें ओ एच आयन नहीं होगा, समझ रहे हैं? होगा, लेकिन अगर सोल्यूशन एसिडिक है इसका मतलब एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन ओ एच की कंपेयर में बहुत हाई है। बोलो। तो मतलब कंपरेटिव वर्ड है, अच्छा एसिड होगा तो बुरा बेस होगा, और अगर अच्छा बेस होगा तो बुरा एसिड होगा, समझ पा रहे हैं? यही सिस्टम होता है। तो इन्होंने पूछा क्या है, अ साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस विल डिजॉल्व इन वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन विच इज, कौन स्ट्रांग है बताओ? एसिड स्ट्रांग है, सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, द केमिकल नेम ऑफ मार्बल इज, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इस पे ये सवाल भी आया है, एक और सवाल आया है, एसिड रेन से जो मार्बल वाली बिल्डिंग होती है उनको नुकसान पहुंचता है, कैसे पहुंचता होगा? कैल्शियम कार्बोनेट है, एसिड ऊपर से आ रहा है, तो एसिड और कार्बोनेट बाई कार्बोनेट मेटल का हो तो साल्ट CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो सारा मार्बल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा अगर एसिड रेन होगी, तो उसी की मेन प्रॉब्लम है। तो ये ठीक समझ गए इसका मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द एसिडिक साल्ट, कौन एसिडिक साल्ट नहीं है बताइए? NaBr एसिडिक साल्ट है? नहीं है। NaCl एसिडिक साल्ट है? नहीं है। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है,
पूछने का मोड चेंज हुआ है, ये कैसा होगा? बेसिक होगा। और ये कैसा होगा? एसिडिक होगा। अच्छा, NaHCO3 को हमने बेसिक क्यों लिखा? क्योंकि H2CO3 वीक एसिड है, और जो बेस लिया गया होगा NaOH, वो क्या लिया गया होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और इनकी जब रिएक्शन कराई गई होगी तो ये बना होगा NaHCO3+H2O। अब बताइए साल्ट इनका कैसा होगा नेचर में? बोलो बेटा। ये H देख के मत जाइए, हम आपको और बताएं, बेकिंग सोडा जब किसी को एसिड ज़्यादा बनता है तो एक होम रेमेडी होती है, मम्मी कहती है कि सोडा पानी में डाल के थोड़ा सा पी लीजिए, तो वो नेचर में एसिडिक होगा, पी लेंगे एसिडिटी में तो क्या होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बोलो। तो इसका मतलब वो बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि ये स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का साल्ट है, इसलिए भी ये नेचर में कैसा होगा? बेसिक होगा। बोलिए, इसका नेचर बेसिक हो जाएगा। तो इसके इनके पूछने का मोड मेरे हिसाब से ये रहा होगा कि इसमें बेसिक पूछना चाह रहे हैं, है ना? बोलो। क्या चीज? हाँ, वो भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एसिडिक साल्ट, जो एसिडिक साल्ट नहीं है, मतलब ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है तो इनकी कोई बात ही नहीं है, ये एसिडिक है, सिर्फ यही आपका एसिड की तरफ एक कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से बेसिक की बात यहाँ पर ये हो जाएगी, ठीक है? NH4Cl एसिडिक क्यों है? NH4OH नेचर में कैसा होता है? ये वीक बेस है, वीक बेस है, प्लस HCl स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग एसिड है, रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा NH4Cl+H2O। अब बताइए दोनों का साल्ट नेचर कैसा होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं तो सिंपल सिंपल ट्रिक बताता हूँ, किसी क्वेश्चन में ये कहा ही नहीं कि आप पूरा पेज लर्न कर लीजिए, ना यहाँ बताता हूँ ना जहाँ क्लास लेता हूँ वहाँ भी नहीं लर्न करने को, बहुत ज़्यादा चीज़ें रटनी नहीं होती, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक। चलिए फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, इस नॉट का खेल बहुत बुरा होता है, अगर ये क्वेश्चन पढ़ने में छूट गया ना तो मामला गड़बड़ हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, अगर मान लो ऐसा हो गया तो पहला पढ़ा ऑल एसिड हैव अ सोर टेस्ट, यही सही है ना? अगर आपने नॉट छोड़ दिया तो पहला ऑप्शन पढ़ा यही करेक्ट हो गया, तो वो नॉट जो है वो बड़ा खेल कर जाता है एग्जाम्स में। ऑल एसिड हैव सोर टेस्ट, हाँ सही है, टेस्ट कर लेते हैं, तो ये तो बात सही है। दूसरा, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी बात सही है। बोलो। फिर कहते हैं एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये तो बात गलत है भाई। फिर कहते हैं ऑल एसिड फॉर्म H+ ion इन वाटर, ये भी बात सही है ना? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं है। कोई डाउट किसी को? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसा टफ नहीं लगेगा आपको, बस ये है कि प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। एक बात और बताऊं, सेल्फ स्टडी और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप किसी भी एग्जाम के लिए करके रखेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आप बेहतर परफॉर्मेंस भी कर सकेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस वीक होता जा रहा है, उनके लिए दो चीज़ें ही एडवाइजेबल हैं, आप सेल्फ स्टडी बढ़ाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए। आप मान लो मैं किसी ऐसे, मुझे कोई मान लो आप हमसे कहें कि सारी थ्योरी की बुक आप हमको दे दें, कि सर मान लो आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना है और ये हेलीकॉप्टर के लिए ये बुक है जो थ्योरी है, अब उसमें लिखा हो कि आपका गेट ऐसे खुलेगा, ये गियर यहाँ से लगेगा, ये ऐसे उड़ेगा, ऐसे उसको स्लो करना है, ऐसे ऊंचाई जाना है, मैं सब कुछ लर्न कर लूँ, क्या हेलीकॉप्टर उड़ा लूंगा मैं? भैया नहीं होगा। एक बात बताओ, हेलीकॉप्टर छोड़ दो, जिसने कभी साइकिल न चलाई हो और उसको सारी साइकिल की थ्योरी आप दे दो कि भैया लेफ्ट हैंड में आपकी ब्रेक होगी, राइट हैंड में भी आगे की तरफ ब्रेक होगी,
एक आपकी सीट होगी, पैडल होंगे, पैडल पे पैर रख के थोड़ा सा आगे चलना है, फिर बैठ जाना है, पैडल घुमाते रहना है, हैंडल सीधा रखना है, साइकिल चल पड़ेगी। सारा कुछ किसी को लर्न करा दीजिए, क्या उस लर्निंग वाले प्रोसेस से आप साइकिल चला लेंगे? सारे लोग एक साथ बताइए, चला सकते हैं आप? आप पूरी थ्योरी पढ़ डालिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, आप सच मानिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी हो रहा है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको निखारेगी। हीरे को, हीरा जो वैसे होता है ना जिसकी कटिंग ना हुई हो, उसकी कीमत बहुत अच्छी नहीं होती। जितनी अच्छे कट होंगे उसमें, जितना अच्छा तराशा गया होगा वो उतना कीमती होगा। इस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन की बुक्स खरीदिए, और उन पर क्वेश्चन की बुक ना भी खरीदिए, जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं इतने काफ़ी हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो भी आपके लिए बहुत हैं, बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं मॉड्यूल में। और दूसरी बात, सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाइए। जिस दिन आप किसी एक चैप्टर को 2 आवर घर पे बैठ के पढ़ लें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उस दिन आपको उस चैप्टर में अगर कॉन्फिडेंस ना बिल्डअप हो जाए तो मुझे बताना। बोलो बेटा, होता है या नहीं होता है? एक बात और बताऊं, कहते हैं सर टाइम नहीं मिलता। मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूं, बेटा जहां पे आप हो, मैं भी बहुत पहले हुआ करता था, जिस दिन एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, जिस दिन आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, उस दिन आप पूरा दिन, आपको टाइम मिलेगा, आपको पूरा दिन टाइम मिलेगा, और उस दिन आप मोबाइल भी नहीं छुएंगे, आप कंप्यूटर भी नहीं चलाएंगे, आप कोई भी गेम नहीं खेलेंगे, आप फोन पे बात नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। और एक दिन अगर बीच में गैप मिलेगा तो सच कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए, आप पूरा एक सब्जेक्ट की सारी बुक रिवाइज कर डालेंगे। कर डालते या नहीं कर डालते? Yes, sir. उस एक दिन के गैप में आप पूरी बुक रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इस 2 मंथ के टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी तरफ से प्रॉब्लम है? बोलिए। तो उस चीज को थोड़ा सा समझना है, वो चीज मन में लगती है टाइम नहीं है। टाइम है आपके पास, आप पढ़ेंगे तो टाइम है, आप बहुत टाइम आपके पास है, आप उस चीज़ को यूटिलाइज करिए बेहतर तरीके से। क्षमताएं हैं, जो बच्चे एक दिन में पूरी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं पेपर देने से पहले, तो वो सोचो अगर एक महीने से थोड़ा सा जाग जाए तो क्या होगा। आप टॉप कर देंगे भैया, पूरे यूपी में टॉप कर देंगे, इंडिया टॉप कर देंगे, कोई एग्ज़ाम ना बचेगा जो आप ना क्लियर कर दें। लेकिन बस ये है कि वो लगन चाहिए, लेकिन वो लगन पता नहीं क्यों एग्जाम के ही टाइम पर आती है मन में। उसको अभी से थोड़ा थोड़ा जगा लीजिए, अगर वो जाग जाएगी ना तो काम हो जाएगा आपका। तो उस पर लगिए, सेल्फ स्टडी सारे लोग बढ़ाइए टाइम, और क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ाइए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज द लोवेस्ट पीएच वैल्यू, बताइए किसकी लोवेस्ट पीएच वैल्यू। अच्छा, लोवेस्ट पीएच वैल्यू से समझते क्या है? एसिडिक है ना, जो क्वेश्चन का मोटिव है वो हमको समझ आना चाहिए। एसिडिक है, कौन सा एसिडिक है? NaCl का सोल्यूशन चाहे। अच्छा, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, अभी के लिए कंफ्यूजन दे रखा है, समझ रहे हैं? वैसे तो इनका रोल हो सकता है, वो अलग बात है। एक चैप्टर आएगा 11th में इक्विलिब्रियम नाम का, उसमें पीएच निकालनी पड़ेगी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ, ठीक है? तो तब इसका रोल हो सकता है, अभी इसका रोल इस क्वेश्चन में नहीं है। 9th-10th में इसका रोल अभी नहीं है हमारे लिए। मोलर NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, इसकी पीएच क्या होगी? 7। बोलो। yes, अच्छा, ये कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? ये बेसिक होता है, ठीक है? फिर उसके बाद ये आपका क्या है, Na2CO3, ये भी कैसा होगा? बेसिक। ये कैसा होगा? बोलिए, ये तो है ही बेस। बोलो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है? ठीक, न्यूट्रल है, ठीक है। एसिडिक का कोई इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है। हाँ, एसिड के तौर पे अगर ये पूछ ले कि कौन सा इसमें H प्लस आयन दे सकता है, तो H प्लस आयन देने की टेंडेंसी सिर्फ इसमें होगी। बोलो।
अगर आपको H प्लस आयन, क्या बाकी सारे H प्लस आयन नहीं देंगे? बोलो, क्यों नहीं देंगे भैया? अच्छा, क्या NaCl में H प्लस आयन नहीं होगा? क्यों? क्या अच्छा, दूसरे में कोई ऐसा ऑप्शन? पीएच की बेसिस पर बात करें तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? कौन सा एसिडिक होगा नेचर में? बोलिए। लाइम जूस। अच्छा, इसमें एक लाइम वाटर भी दे रखा है। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ, ये लाइम जो है ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। मैं करना तो ये चाह रहा था लाइम वाटर पहले रखता, लाइम जूस बाद में रखता, लेकिन चलो जैसे था वैसे किया। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा लाइम वाटर। अच्छा, एक चीज और बताऊं, जो आपका NaHCO3 होता है, इसकी जो पीएच होती है वो लगभग 8.3 के आसपास होती है। बेसिक होता है नेचर में, हल्का सा, ठीक है? तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, लाइम जूस। ठीक, फिर आगे देखते हैं। द शाइनिंग, ये मैं बता चुका हूं, बताइए उसका प्रोसीजर भी बताया है कैसे होता है, ठीक है? द शाइनिंग फिनिश ऑफ द वॉल इज गिवन बाई कैल्शियम ऑक्साइड, कोई मतलब नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट कोई मतलब नहीं, कोई कैल्शियम कार्बोनेट ही सही बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई मतलब नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई खास मतलब नहीं। बोलिए, ये पूछ सकते हैं कि आफ्टर, मतलब आफ्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है शाइनिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो वो आपको वैसे सोचना है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट आंसर हो जाएगा। बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब इन साल्ट में, ये एसिडिक साल्ट आपसे पूछना चाह रहे हैं कौन कौन से हैं, इन साल्ट में से एसिडिक साल्ट कौन कौन से हैं, बोलो बेटा। तो देखना पड़ेगा भैया कौन कौन से हैं। तो ये एसिडिक साल्ट होगा क्या? ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये KOH प्लस HNO3 से बना होगा, मतलब स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड का पार्ट है। फिर उसके बाद देखते हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4 के हालात क्या है? NH4OH प्लस H2SO4 इसी से तो बना होगा, तो ये आपका वीक बेस होगा और ये स्ट्रांग एसिड होगा, स्ट्रांग एसिड। इसका मतलब ये नेचर में एसिडिक होगा, सही बात है। Na2CO3 के बारे में क्या ख्याल आता है आपके? ये NaOH प्लस H2CO3 से बना होगा, तो ये आपका क्या है, स्ट्रांग बेस है और ये वीक एसिड है। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो नेचर में कैसा होगा? बेसिक। तो ये ब्लू लिटमस को रेड तो नहीं करेगा। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये NH4OH है प्लस HCl है, रिएक्ट करके क्या बना? NH4Cl प्लस H2O। ये आपका एक सेकंड, ठीक, ये आपका वीक बेस है
ठीक, ये आपका वीक बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये दो जो साल्ट होंगे ये आपके एसिडिक होंगे। सेकंड और फोर्थ, ये ब्लू लिटमस को रेड करेंगे। सेकंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में दे रखा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए? यस सर। इसमें कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सोचो, ये कह सकते थे विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ब्लू लिटमस टू रेड से पूछा या रेड लिटमस टू ब्लू पूछ सकते थे, बोलो। ऐसे भी तो पूछ सकते थे। तो अगर ब्लू लिटमस टू रेड पूछा है तब तो दो सही है, और अगर पूछते हैं इसमें से कौन ऐसा है तो एक ऑप्शन सही होता, जो पूछते कि कौन ऐसा है जो रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है। बताओ कौन हो सकता है? हाँ, जो थर्ड वाला है ये रेड को ब्लू कर सकता है, क्योंकि ये नेचर में बेसिक है। बोलो भैया, है ना। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता था इसमें कौन सा ऐसा है जो लिटमस पे फर्क नहीं डालेगा। बोलो, पहला वाला, क्योंकि वो नेचर में कैसा है? न्यूट्रल है। बोलो, है ना। तो क्वेश्चन की, अच्छा, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग भी हो सकता था। अभी अगले जो कुछ लेक्चर्स जो लूंगा उसमें क्वेश्चन ऐसे डालूंगा कि इन चीजों को बनाने के बाद इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग फिर नीचे ऑप्शन करेक्ट होना ढूंढना पड़े। लेकिन फिलहाल अगर आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 38 एनहाइड्रस CuSO4। क्वेश्चन पढ़िए पूरा। एनहाइड्रस CuSO4 इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ वाटर वेपर, विच प्रॉपर्टी ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 इज एक्सप्लॉइटेड फॉर द अबव यूज? एनहाइड्रस CuSO4 चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, सही बात है? अच्छा, पहले मुझे क्वेश्चन का मतलब बताइए, डी ऑप्शन कैसे हुआ? मुझे क्वेश्चन का मतलब बताइए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ ठीक है, हाँ ठीक। अब इसमें देखते हैं, पहला, क्या जो पहले ऑप्शन में दे रखा क्या ऐसा होता है? नहीं होता। कलरलेस एनहाइड्रस CuSO4 चेंजेस टू ब्लू कलर, यही बात सही है? लिया जाता है वैसे कलरलेस, और अगर वाटर वेपर देते जाओगे तो यही ब्लू विट्रियॉल है, है ना। CuSO4.5H2O जब बनेगा तो वो डार्क ब्लू हो जाएगा, उसी का नाम क्या होगा? ब्लू विट्रियॉल। बोलो, फिर कहते हैं ब्लू कलर्ड एनहाइड्रस CuSO4 चेंज टू कलरलेस हाइड्रेटेड CuSO4, नहीं, गलत बात है। एनहाइड्रस CuSO4 जो होता है ये ब्लू कलर का होता ही नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद नन ऑफ द अबव, कोई मतलब नहीं, मतलब कलरलेस एनहाइड्रस CuSO4 चेंजेस टू ब्लू कलर्ड हाइड्रेटेड CuSO4, ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली, एल्कली मतलब जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है। ये वाटर में सॉल्युबल है लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। डी ऑप्शन भी अच्छा नहीं होता है, पहला ऑप्शन अच्छा होता है। ये जो ये है, ये और ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते अच्छे। जो पहले ग्रुप के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बहुत अच्छे वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाले जो हैं ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है लेकिन बहुत अच्छा सॉल्युबल नहीं होता। जिन लोगों ने देखा हो, वाटर वाटर ऊपर हो जाता है और नीचे काफ़ी ज़्यादा गम जैसा बैठ जाता है, फेविकोल जैसा, देखा किसी ने? हाँ, वाइट प्रेसिपिटेट बैठ जाता है, तो ये भी वाटर सॉल्युबल नहीं होता। CuSO4 ट्रांजिशन में है, वो तो उसका कोई मतलब नहीं। ZnOH, ये भी आपका बहुत अच्छा वाटर सॉल्युबल नहीं होता। सबसे अच्छा KOH है, और जो वाटर सॉल्युबल होंगे उन्हीं को क्या कहा जाएगा? एल्कली कहा जाएगा। कोई डाउट है मन में? चलिए फिर आगे देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन, ये सब बता लेंगे। छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल सकता है? एक्चुअल में ये पूछा है फाउंड इन नहीं, ये पूछा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है। अब इनमें देख लो कौन सा है,
लाइम वाटर ना, लाइम वाटर को और क्या कह सकते थे? हाँ, तो वो भी ऑप्शन में हो सकता है, CaOH का होल ट्वाइस ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें स्लेक्ट लाइम भी दिया हो, लाइम वाटर भी दिया हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, लाइम वाटर ऊपर जो वाटर आ जाता है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये आ स्टूडेंट टेस्ट, ये तो एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखते हैं, आ स्टूडेंट टेस्ट अ सैंपल ड्रिंकिंग वाटर एंड रिपोर्ट्स इट्स पीएच वैल्यू इज 6 एट रूम टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट हैव बीन एडेड इन वाटर। कह रहे हैं एक बच्चे को एक सैंपल दिया गया लैब टेस्टिंग के पर्पज से, और उसने कुछ देर बताया कि इसकी पीएच जो है वो 6 के आसपास आई। 6 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छे, कितने समझदार बच्चे हैं मेरे। तो मतलब कोई ऐसा कंपाउंड मिलाया गया जो नेचर में एसिडिक था, तो वाटर में मिलने के बाद उसने सोल्यूशन का नेचर क्या कर दिया? एसिडिक। कैल्शियम क्लोराइड, बोलो क्या हालात रहेंगे? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बताओ क्या स्थिति रहेगी? हाँ, क्या चीज? विनेगर, ठीक। हाँ, ये बेसिक रहेगा, 7 से ज़्यादा आएगा। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल रहेगा, कैल्शियम भी अच्छा खासा OH देता है, तो ये भी नेचर में कैसा रहेगा? लगभग न्यूट्रल रहेगा। बोलो, विनेगर वीक एसिड है। विनेगर समझते हैं क्या होता है? अच्छा, कितने परसेंट विनेगर खाया जाता है? कितना? कितना परसेंटेज विनेगर का सोल्यूशन वाटर के साथ खाया जाता है? सिरका बोलते हैं उसको, सिरका। सेवन टू 13% के आस, मतलब 13 से ज़्यादा नहीं होगा, 7 के आसपास होता है, ठीक है, वो खाया जाता है। ऐसे ही अच्छा, 100% एस्टिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, उसको बोला जाता है, किसी को याद है क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एस्टिक एसिड किसे कहते हैं? देखिएगा ढूंढ के। ओके? हाँ, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एस्टिक एसिड के बारे में। चलिए, रूम टेम्परेचर और पीएच वैल्यू में कुछ फर्क पड़ता है क्या चीज? टेम्परेचर और पीएच वैल्यू में कुछ फर्क पड़ता है? अगर वीक एसिड है तो फर्क पड़ता है, वीक एसिड या वीक बेस है तो फर्क पड़ेगा, अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो फर्क नहीं पड़ता है। वीक एसिड और वीक बेस वो होते हैं जिनका ब्रेकडाउन कम परसेंटेज में होता है। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका ब्रेकडाउन बढ़ेगा, ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो H प्लस या OH, अगर एसिड होगा तो H प्लस की वैल्यू बढ़ेगी, H प्लस बढ़ेगा तो pH डिक्रीज होने लगेगी। समझ पा रहे हैं? Yes. जितना डिसोसिएट होगा उतना ही ज़्यादा तो H प्लस देगा। तो अगर कोई वीक एसिड है, मान लो 30% डिसोसिएट हुआ है, और अगर आप उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी ब्रेकिंग बढ़ जाएगी, उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है। अगले साल 11th में आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है? बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्स कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, कौन सा है? टोमेटो। अच्छा, लेमन से क्या मिलता है? लेमन ऑरेंज से? ठीक, सिट्रिक एसिड। टोमेटो से? ऑक्सैलिक एसिड भी। हाँ, स्पिनेच से भी मिलता है, ठीक। इससे एक दो एसिड और मिलते हैं टोमेटो से। टैमरिंड से? टार्टरिक एसिड, सबको पता है, ठीक। चलिए, तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि इधर 5-6 ये आपके लगातार दे दें, और इधर फ्रूट नेम दे दें, और उधर एसिड नेम दे दें, ठीक। और फिर उसमें मैच द फॉलोइंग करके नीचे ऑप्शन दे दें, ये स्टेज सेकंड का ऑप्शन हो सकता है, तो उसमें क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और आपको चीज़ें लर्न होंगी, तभी आप कर पाएंगे, है ना। मान लो हम 2-3 इसमें और बढ़ा दें, 4, तो 8 हो जाएंगे। इधर 8 एसिड के नाम दे दें, फिर आप पहले उनको मैच करिए, फिर नीचे ऑप्शन सेलेक्ट करिए,
है ना। जो जनरल यूज की चीजें हैं जैसे सलाइवा का पीएच, ब्लड का पीएच, मिल्क का पीएच, इनका नेचर ये याद रखिएगा, ठीक। स्टमक में कौन सा एसिड होता है, कार की बैटरीज में कौन सा एसिड पड़ता है, वो चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आपको काम दिया है, आप ढूंढ के बताइए कार की बैटरीज में या इन्वर्टर की बैटरीज में कौन सा एसिड पड़ता है, आप देखिए उस। नहीं नहीं, मुझे बताना होता तो मैं पूछता का है, आप सोच के बताइए। स्टमक में कौन सा एसिड होता है बताइए, कार की बैटरी में कौन सा एसिड होता है, हाँ जो 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 एसिड होता है, चींटी के काटने से कौन सा एसिड निकलता है, हाँ तो ये चीजें कलेक्ट करिए डाटा, ये डाटा कलेक्ट करके आप रखिए एक छोटी सी कॉपी पे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इफ पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन इज इक्वल टू जीरो, जीरो पीएच है सोल्यूशन कैसा होगा, किसी के मन में न्यूट्रल तो नहीं आ रहा। हाँ एक बार पूछा कि सर, एक बार बच्चे ने कहा कि सर पीएच जीरो है सोल्यूशन तो न्यूट्रल होना चाहिए, जीरो पे ना एसिडिक है ना बेसिक है ना, किसी के मन में ये आ सकता है। तो मतलब एक बार काफी देर समझाने के बाद समझ आया, ये हाईली एसिडिक होगा, इसमें अच्छा और ऑप्शन हो सकता था, ये बहुत मतलब कह सकते हैं स्ट्रांग एसिड हो जाएगा, है ना। पीएच जीरो का मतलब स्ट्रांग एसिड हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग एसिड, ठीक है। जीरो न्यूट्रल नहीं होगा, कोई मन में ये ना रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन आगे बताइए, बेसिक सोल्यूशन है, अब इसमें ऑप्शन आपको देखने हैं, ओनली ओ एच एन, सही बात है, केवल ओ एच आयन रखेगा, बोथ एच प्लस एंड ओ एच आयन, बट ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन एच प्लस आयन, सही बात है। हाँ ओनली एच प्लस आयन नहीं, बोथ एच प्लस नहीं, बी ऑप्शन। कोई भी सोल्यूशन जो बेसिक होगा, बेसिक हो चाहे एसिडिक, अगर बेसिक सोल्यूशन है तब भी उसमें दोनों आयन होंगे, H प्लस भी होगा OH प्लस OH माइनस भी होगा, लेकिन अगर बेसिक है तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की कंपेयर में ज़्यादा होगी, और अगर आपका एसिडिक है तो उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज़्यादा होगी, समझ पा रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए, द एक्सपेक्टेड पीएच ऑफ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज क्या होगी, द एक्सपेक्टेड पीएच ऑफ सोल्यूशन कैल्शियम सल्फेट क्या होगी, क्यों भैया लेस देन सेवन होगी, एसिडिक होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है सर, कैल्शियम सल्फेट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से, हाँ बात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली थोड़ा वीकर है सर, H2SO4 काफी स्ट्रांग एसिड है सर, तो निकाल के लेस देन और कोई कुछ बताना चाहेगा, कोई और कुछ बताना चाहेगा, क्या कह रहे हैं, इसमें ऑप्शंस ए सही होगा, अब कोई बताना चाहेगा रीजन, डिसोसिएशन का कुछ कॉन्सेप्ट है, जब कोई एसिड एच प्लस देता है तो अगर उसको मिल जाए तो गेन भी करता है, कुछ चीज़ें हैं, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस उतना ब्रेकडाउन करेगा कि नहीं करेगा, अगर 100% ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा तो साल्ट बनने के बाद कुछ पॉसिबिलिटीज़ रह जाएंगी, आप लोग इस पे वर्क करेंगे और मुझे बताएंगे अगले टर्न पे जब ये होगा तो इसी से स्टार्ट करेंगे, आप मुझे ये एक्सप्लेन करेंगे सर कि ये कैसे आई, क्यों आई, इसमें क्या रीज़न हो सकता है, ब्रेकडाउन का क्या रीज़न हो सकता है, कौन सा आयन ज़्यादा रहेगा। हाँ एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि कोई भी अगर एसिड है, अगर स्ट्रांग है तो वो एसिड में जैसे HCl लिया आपने तो ये 100% टूटकर H प्लस Cl माइनस बनाएगा, इसका वापस आना जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा,
समझ रहे हैं? बोलिए, ये रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत अच्छी चलेगी। बोलिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया, आप इस पे बात, आप इसको ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे सर कैसा आया। सेवन लेस देन सेवन क्यों नहीं, बिटवीन सेवन टू टेन क्यों नहीं हो सकती, अबव देन ट्वेल्व क्यों नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 7.7 पर क्यों ऑप्शन आया, आप एक बार देखेंगे, ढूंढेंगे, बताएंगे। इस क्वेश्चन को छोड़ के कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो किसी के तो मुझे बताए। कोई सवाल है किसी के मन में? लेक्चर में कोई ऐसा पॉइंट लगा जो नहीं समझ आया हो? क्या कह रहे हैं? सब क्लियर है ना? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर आपके साथ। और तब तक आप पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ें अपने आप ढूंढोगे वो लंबे टाइम तक रिगेन रहेंगी, इस पर सर्च करिए और ढूंढिएगा। और हाँ, कार बैटरीज में और जनरल यूजेस की एक टेबल बनाइए कि हमारे आसपास किन चीज़ों में कौन कौन से एसिड या बेसिस पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अगले टर्न पर मैं सबसे नाम ले लेकर पूछूंगा कि इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है, जो जनरल आसपास की चीजें हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके।